अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम हलवा पूरी के लिए जो आलू की तरकारी बनाते हैं वो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मेरे पास सौंफ यानी फेनल सीड्स हैं, कलौंजी है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून राई दाना है, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई सूखी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट है और 1/4 टीस्पून जो है वो मेरे पास टर्मेरिक यानी हल्दी है। इसके अलावा आलूओं को मैंने बॉइल कर लिया है और कुछ आलू हैं जिनको मैंने मैश कर लिया है और कुछ को ऐसे ही रहने दिया है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉट में हमने 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हीट हमारी मीडियम हाई पे है। तो अब ये जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे ये सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे और फिर इसके अंदर हमारे पास जो आलू हैं वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए सॉटे कर लिया है। अब जो स्पाइसेस जो थे उनका टेस्ट अच्छी तरह से ऑयल के अंदर चला गया, तो अब हम अपने आलू जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलूओं को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। इनमें से कुछ आलूओं को हम और चम्मच के साथ कभी मैश कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अचार जो है वो भी ऐड करेंगे। कोई सा भी कैरी का, गाजर का, जिस भी चीज़ का अचार हो आपके पास आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चम्मच के साथ इनको थोड़ा सा और मैश कर लें आलू को, फिर हम इसके अंदर अचार ऐड करें। तो अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो मैं अचार इसमें ऐड कर रही हूँ। अचार ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और तकरीबन 1/2 कप हम इसके अंदर उसके बाद पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको यहाँ पे आप पकाएंगे। यहाँ पर हमारा जो आलू की तरकारी, आलू की सब्ज़ी, ग्रेवी जो भी कह लें, सालन जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी हलवा पूरी के लिए आलू की तरकारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।